जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ये बात तो सच है कि माता रानी से भक्त जो कुछ भी मांगते हैं माता रानी उसे पूरा ज़रूर करती हैं। कुछ भक्तों ने मांगा होगा कि स्नोफॉल हो जाए और देखो माता रानी ने सुन ली। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ 24 फरवरी को माता रानी के पवित्र भवन पे कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। माता रानी ने तो जैसे एकदम ही चमत्कार कर दिया हो। पहले तो हुई बारिश, उसके बाद पड़े ओले और भक्तों को फिर देखने को मिली स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी। आप देख सकते हो बर्फबारी के बाद माता रानी के पूरे ही भवन पे चारों तरफ एक जैसे चादर सी बिछ गई हो और कितना ज़्यादा पवित्र नज़ारा देखने को मिल रहा था। अभी भी बात करी जाए तो प्रतिदिन माता रानी के भवन पे लगभग 12 से 15 हज़ार भक्त आ रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और ऐसे में भक्तों को अगर भवन के दर्शन हो और भवन पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो बताओ कौन भक्त ऐसा होगा जो माता रानी के दर्शन करना नहीं चाहेगा, कौन भक्त ऐसा होगा जो कि वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं आना चाहेगा। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ जब ओले गिर रहे थे, जब बारिश हो रही थी तो भक्त कुछ ऐसे ही टीन शेड के नीचे खड़े थे और भक्त इंतज़ार रहे थे कि कब बारिश रुकेगी या फिर कब जो ओले हैं वो रुकेंगे। पर माता रानी ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। माता रानी ने भक्तों को जैसे बिल्कुल ही एक नया सरप्राइज दे दिया हो। माता रानी ने उसके कुछ देर बाद ही भवन पर स्नोफॉल यानी कि जो बर्फबारी है उसकी शुरुआत कर दी। और जैसे ही स्नोफॉल ही फिर तो भक्तों के अंदर जैसे एक नया जोश ही आ गया हो, क्योंकि फरवरी महीने के आखिर में कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है कि माता रानी के भवन पे स्नोफॉल देखने को मिलेगी। ये वो समय होता है जब धीरे धीरे माता रानी की पवित्र यात्रा पर भक्तों को गर्मी महसूस होनी होती है। ये समय वो होता है जब भक्तों को लगने लगता है कि अब तो हम हाफ टी शर्ट में ही यात्रा कर लेंगे, अब कहाँ जैकेट की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं भक्तों के जैसे पूरी तरीके से वक्त और जज्बात माता रानी ने बदल दिए हों। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। एक बार माता रानी के लिए और सभी भक्तों के लिए जय माता दी कमेंट में लिखना ना भूलें। आप भक्तों को अगर वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। माता रानी के पवित्र चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल आगे बढ़ता रहेगा। आप भक्तों को यूं ही घर बैठे जानकारी मिलती रहेंगी और दर्शन आप भक्त घर बैठे ही करते रहेंगे। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ बर्फबारी के बाद में माता रानी के पवित्र भवन पे पूरी तरीके से सफ़ेद चादर देखी जा सकती थी। हालांकि जो रोप वे है उसको चलाया जा रहा था, उसको बंद नहीं किया गया। जब ओले गिर रहे थे उस समय रोप वे को कुछ देर के लिए बंद किया गया, उसके बाद रोप वे की जो सेवाएँ हैं वो भक्तों के लिए शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं माता रानी के भवन पे कुछ इसी तरीके से नज़ारा देखने के लिए मिला जब बारिश और ओले दोनों एक साथ आ रहे थे। अब देख सकते हैं सभी भक्त टीन शेड के नीचे खड़े हुए हैं सिर्फ इस इंतजार में कि कब ये ओले खत्म हो और भक्त माता रानी के दर्शन कर पाए। पर माता रानी ने तो कुछ नहीं सोचा था और माता रानी ने उसके बाद फिर स्नोफॉल शुरू कर दी। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ माता रानी की यात्रा पर अगर आप भक्त आ रहे हैं तो आपको पुरानी गुफा के दर्शन फिलहाल नहीं हो पाएंगे भवन पे, क्योंकि जो पुरानी गुफा है इस साल खुली ही नहीं। वहीं हम बात करें अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की तो अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में आप भक्तों को गुफा के दर्शन हो रहे हैं, गुफा को बंद नहीं रखा गया है। मैं यही उम्मीद करूंगा आप सभी भक्त अपने घरों से निकलकर माता रानी के भवन पे जल्द से जल्द पहुंचेंगे, जिससे कि आपको बर्फबारी का नज़ारा भी देखने को मिले साथ ही आपको माता रानी के पवित्र दर्शन भी हो। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करें। आप भक्तों से यही आशा करूंगा कि यात्रा पर जरूर जाएंगे, नियमों का पालन करेंगे और माता रानी से ज़रूर मेरी तरफ से भी जय माता दी कहेंगे। अगर आप चाहते हैं रोज़ाना ताज़ा तस्वीरें पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।